वेलकम बैक टू एंड द ब्लॉगर। आज कई महीनों बाद आए हैं दोबारा अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ चैनल में दिक्कत हो गई थी, उसके वजह से हम चैनल में वीडियो नहीं बना पाए। तो आज काफ़ी टाइम बाद आए हैं ब्लॉग को लेकर, बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। तो फर्स्टली मैं कर देता हूँ पहले इंट्रोडक्शन, कौन कौन हमारे साथ आए हैं। तो ये आए हैं हमारे साथ, एक ये है हमारे भाई साहब प्रकाश भाई साहब। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इनका नाम है प्रकाश और काफ़ी अच्छे भाई साहब हैं ये। और ये आए हैं हमारे साथ भ्राता, ये हमारे बड़े भ्राता श्री हैं, 2 साल बड़े हैं हमारे। और आपको दिखाते हैं, ये आए हैं, ये हैं पीयूष, ये भी बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आपको बता देता हूँ, आज का ब्लॉग होने वाला है गाइस बंसीवट का, जहाँ पे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उस पेड़ यहाँ पर, वो पेड़ है जहाँ पर बांसुरी बजाया करते थे, और आज भी कहते हैं उस पेड़ में से आवाज़ें आती हैं, अगर यदि आप सुनते हो तो सच्चे मन से। सच्चा तो मन हमारा है नहीं तो हमको तो आएगी नहीं तो आज भी आवाज़ें आती हैं। और आज का ब्लॉग हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरे बंसीवट का दिखाएंगे, और काफ़ी अजीब तरह के यहाँ पेड़ हैं, वन है पूरा, उसको दिखाएंगे, और एक गुरु जी उनका भी दर्शन कराएंगे आपको। तो ये द्वार है उसका बंसीवट का, ये आप देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है बंसीवट। तो यहीं से जाते हैं बंसीवट की तरफ, और यहीं से पूरा स्टार्ट होता है पूरा ब्लॉग। तो देखते हैं, तालाब सा था जो कि भगवान कृष्ण ने भी बांसुरी से खोदा था, उसकी तरफ लेके जाऊंगा। वो भी है काफ़ी अच्छा बना रखा, ये देख सकते हैं आप, ये इधर, ये गाइस काफ़ी गहरा है इधर, और ये तो बना दिया ऊपर स्लेब बना दी गई है, लेकिन ये बीच में एक कुआ है, वो खोदा था भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से। तो यहाँ वो कुआ था, तो यहाँ पर क्या बना दिया है, पूरा अच्छी खासी बना दी है। टूरिस्ट आते हैं उनके लिए देखना चाहिए थोड़ा कि यहाँ कुछ है गज में, उसके लिए बना दिया है। इसके जस्ट बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ है वो वृक्ष, जिस यहाँ पर की आवाज़ आती है बांसुरी की, अगर आप सुनते हो कान लगा के, वहाँ पर होंगे कई आदमी सुन रहे होंगे, दिखाएंगे सब आपको। तो फिलहाल वहाँ चलते हैं, चलो। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं उस प्लेस पर जहाँ पर की बांसुरी की आवाज़ आया करती थी उस वृक्ष पर। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको जो मंदिर बना दिया उसको, उसके बाद ऐसा सीन दिखता है, काफ़ी दुकानें खुल गई हैं बाहर श्रद्धालुओं के लिए, आप देख सकते हैं। देखिए रिपोर्टर है गाइस, इस समय मैं काम करूँगा एक रिपोर्टर का, क्योंकि मैं हूँ कौन सी न्यूज हमारी, उलुलुलु चैनल, ये हमारा बहुत गाइस ये चैनल था मेरा बचपन में, मैंने बनाया था, ये हमारी न्यूज़ का नाम है उलुलुलु चैनल, सबसे तेज सबसे फास्ट, मन की स्पीड से तेज, लाइट की स्पीड भी कम पड़ जाती है उस स्पीड से हम आपको खबर देंगे। और आज की खबर ये है कि हम आए हुए बंसीवट, बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, उनको देखो, उनको क्या देखोगे, अंदर जाएंगे पेड़ दिखाएंगे आपको। और आज की न्यूज़ करते हैं इसी, यही सही समाप्त नहीं करते हैं अभी, हम आपको अभी और दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ उलुलु चैनल के साथ। तो गाइस जिस वृक्ष पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, ये अभी आप सामने देख रहे हैं वही वृक्ष है हमारे सामने। तो इस वृक्ष को हम दिखाएंगे सब कुछ कैसे है, और पूरा मंदिर का दिखाएंगे, मंदिर बनाते क्या चारों तरफ, चलो देखते हैं। ठीक है, ये वही वृक्ष है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बन रखा है। और आज भी कहते हैं, यदि आप कान लगा के सुनेंगे सच्चे दिल से, सुबह बांसुरी की आवाज़ आती है, और सुनते भी हैं लोग, और आई भी है सबको, हमें नहीं है, उनको भी आती है आवाज़। और आज काफ़ी कम है क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इतनी पब्लिक ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, बाकी बहुत पब्लिक रहती है यहाँ पर गाइस। तो अभी आप इंजॉय कीजिए, ब्लॉग का ब्लॉग दिखाते हैं आपको गाइस। ये देखिए, ये वही वृक्ष है, और यहाँ पे क्या है, यदि आप सच्चे मन से सुनते हैं कान लगा के, तो बांसुरी की आवाज़ आती है। और ये काफ़ी विशाल वृक्ष है, ये आप देख सकती हैं, इसकी जटाएं हैं बहुत ज़्यादा बड़ी, देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से क्या है गाइस, जटाएं आके दोबारा ज़मीन में चल जा चुकी हैं, इतना विशाल काय है ये। और ये देखिए, ये है, और ये यहाँ पर मंदिर बना दिया है, ये सामने ही मंदिर हैं तीन, ये हमारे गुरुजी का आश्रम है, हम वो हमारे गुरुजी भी हैं, उनका आश्रम है, और यहीं बना दिया ये सब कुछ, दिखाया पूरा ये जो वृक्ष था बंसीवट वाला। अब इससे आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ काफ़ी वन है, जंगल है, जंगल जहाँ पर कि अजीब वगरीब तरीके के पेड़ मिलते हैं, अलग अलग तरीके की गुलाल गुलाल वाले। तो अरे मेरा चैनल चल रहा था, रुक जाओ एक मिनट। तो गाइस आज की बंसीवट की जो वृक्ष की समाप्ति होती है वो यहीं पर होगी समाप्ति, क्योंकि
वैक्स दिखाना था वो हमने आपको दिखा दिया, और इसके साथ हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट से राइट लेके और वहाँ दिखाएंगे आपको जंगल, जंगल में करेंगे मंगल, मंगल होगा कैसे बाबा जी हैं मंगल करेंगे, और काफ़ी वैक्स हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ हम आपको दिखाएंगे जंगल मंगल। और ये देखो ये हंस रहे हैं हमारी बातों पर, ये आप देख सकते हैं ये हमारे भाई बड़े भाई साहब हैं, और ये भी हंस रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको यहाँ क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, इनको बहुत अच्छा लगा ये ऐसे कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत अच्छा लगा भाई साहब, यहाँ पर अच्छा ही लगेगा, सब आइए। और मैंने आपको एड्रेस बता दिया, मार्ट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे है, और उल्लू चैनल के साथ बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। जय हिंद जय भारत। अब इधर हम जाने वाले हैं जंगल में, काफ़ी घमासान जंगल है, और शेर और गधुआ, सॉरी गधुआ वो मिल सकते हैं, लोमड़ी गोधुआ शेर और चीता कुछ ही मिल सकता है, तो संभल कर रहना पड़ेगा। वहाँ भी दो गोधुआ और शेर हमारे साथ, शेर तो है नहीं, दो लोमड़ी और गोधुआ हमारे साथ चल रहे हैं। आइए आपको जंगल दिखाते हैं आज। ये है लाल लोमड़ी, वो है नीला गोधुआ, ये लोमड़ी। भाई मज़ा आया, हरी गंद दिख रही है वो, थोड़ी हरी साई है ना वो। तो गाइस ये हम आपको दिखाते हैं, अभी हम जंगल में चल रहे हैं, तो इतना मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ पाएंगे आपको जो ऐसे करके मिल जाएगा और ऐसे घुस जाएगा इसमें, सॉरी ऐसे करके जो ऐसे हो जाते हैं वो, तो काफ़ी ऐसा पेड़ पाएगा आपको जो देखा ही नहीं होगा आपने ऐसा। आइए, लेकिन सबसे पहली बात वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का आनंद तभी आएगा यदि आप जब वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक। तो उल्लू चैनल का बने रहिए, हमारा चैनल जग प्रसिद्ध चैनल है, विश्व प्रसिद्ध चैनल है उल्लू उल्लू चैनल। चलिए यहाँ पर ना, अब जैसे अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जैसे स्टॉप, ये स्टॉप हो जाना, यदि आप देखोगे एक रास्ता डर जाएगा और एक डर जाएगा, दोनों रास्ते इतने लंबे रास्ते हैं कि आगे जाकर फिर ऐसे रास्ते डर जाएगा, फिर से डर जाएगा। अच्छा हमको सिखा रही है, फिर उस रास्ते जब फिर से जाएगा ऐसे। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप खो जाओगे तो समझ रहिएगा, क्योंकि यहाँ पेड़ घुस जाते हैं कहीं भी, एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर है जो गुरुजी रहते हैं, उनकी जो चेले चपाटी रहते हैं मतलब संत जो होते हैं, उनकी कुटिया है इधर। तो पहले इस रास्ते चलेंगे, इस रास्ते में ज़्यादा घमासान युद्ध दिख रहा है हमको, आ जाइए जल्दी डाउन करना सर जल्दी, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ एक लाइक। तो गाइस एक कुटिया इधर है बाबा जी की, कुटिया क्या कहते हैं कुटिया, आइए इधर और जंगल में चलते हैं, वहाँ जंगल में चलते हैं। गाइस मैंने कहा था ना जैसे ही आप थोड़ा आगे आओगे एक रास्ता इधर को जाएगा और एक रास्ता उधर को जाएगा, तो भाई पूरा सारांश ये है, भूल जाओगे क्या है, भटक जाओगे। पेड़ दिखाते हैं आप गाइस, गाइस तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब काफ़ी घमासान यहाँ देखिए, घुस जाते हैं, मैंने कहा था कहीं भी मतलब पता नहीं होता कुछ भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस देखो इधर आप देखोगे ना चारों तरफ जंगल जंगल दिखेगा, और सांप और मैंने कहा था शेर चीते शेर गधुआ कुछ भी आ सकता है। तुमसे ना हो पाएगा, ये यहाँ पर देखो शेर, तो ये जंगली जंगल है चारों तरफ। आइए ओ जय श्री राम, जय श्री राम। ये काफी बड़ी गैंग है गाइस, तो यहाँ पर ट्रैफिक होता रहता है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि ये काफी अच्छी गैंग है, ये आप देखेंगे हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, आगे जाओ कैमरा मैन आगे जाओ। तो गाइस चारों तरफ है जंगली जंगल, और जैसा कि मैंने कहा था चारों तरफ जंगली जंगल है, और एक गैल से जाएंगे दो रास्ते, दो से जाएंगे फिर दो रास्ते, और फिर थोड़ा आगे जाएंगे फिर दो रास्ते। बताइए क्या अच्छा लगा? शांति नहीं नहीं शांति अच्छी नहीं लगी, हरियाली हरियाली गाय इनका कहना अच्छा, यहाँ पर इनकी हरियाली बहुत अच्छी, इनकी यहाँ मिलती नहीं हरियाली, यहाँ काफ़ी हरियाली मिल चुकी है इनको। इस कहने का तात्पर्य है ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और कुछ भी यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, सब पूरे अच्छा लगा होगा गाइज। तो जंगल हमने दिखा दिया, बंसीवाड़ा दिखा दिया, तो अब ब्लॉग कर दें एंड, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को, और अब रोजाना चैनल रोजाना आएंगे गाइज ब्लॉग, रोजाना ब्लॉग आएंगे आपके लिए, वीडियो आएंगे बहुत ही, एक बूढ़ी वीडियो की शूटिंग चल रही है वो वीडियो आएगी, तो उल्लू उल्लू चैनल के साथ बने रहिए हमारे साथ।
लाइक करना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, ना सब्सक्राइब करना। और वर्ल्ड फेमस चैनल है उल्लू चैनल, आप क्या कहेंगे उल्लू चैनल के बारे में? बहुत ही बढ़िया चैनल है। कौन सा चैनल है बताइए? उल्लू चैनल। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस चैनल का नाम है उल्लू चैनल। इसको मतलब क्या है कि काफी विकसित की दी है, और सर्च कीजिए तो हो सके उल्लू चैनल सबसे पहले पर आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।